हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। आज के सेशन में यार हम लोग बात करेंगे हीरॉन्स फार्मूला की, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। पूरे के पूरे 20 मिनट में मैं ये चैप्टर आप लोगों को खत्म करवा दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ थ्योरी भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। पूरा चैप्टर रिवीजन पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनल्स नजदीक आ रहे, ऐसे में 20 मिनट में एक चैप्टर का रिवीजन हो रहा है तो दैट इज वेरी गुड, है ना। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन गाइस एंड चकदे फट्टे नब्बे किल्ली, है ना। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलो फटाफट से, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से खत्म करने की कोशिश करेंगे। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को कनेक्ट करना हो कर सकते हो आप लोग। ये वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सेशन के नोट्स यहाँ पे हम भेजते हैं, तो मेक श्योर की टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन। देखो हीरॉन्स फॉर्मूला में ना सिर्फ तीन चीजें, सबसे पहले आप लोगों के पास बेसिक सी चीज है डेफिनेशन एंड पेरीमीटर, फिर आप लोगों के पास पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स, और फिर आप लोगों के पास है हीरॉन्स फार्मूला। इसी से आप लोगों के पास तीन या चार मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, है ना। इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत इजी चैप्टर है। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन समझते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर होता है कि अगर आपके पास कोई भी क्लोज्ड फिगर है उसकी सारी की सारी साइड्स को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो दैट विल गिव यू द पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है, एरिया जो भी आपके पास फिगर है, जो भी फिगर है उसका जो भी ये सरफेस होता है दैट सरफेस इज कॉल्ड एज द एरिया। जो भी क्लोज्ड फिगर है उसका जो सरफेस जो उसने कवर किया दैट सरफेस इज कॉल्ड एज द एरिया, ठीक है। इस चैप्टर में हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है तो शुरुआत करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहला है अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हाइट, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है बेटा अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, और पेरीमीटर होता है 3a। पेरीमीटर तो बहुत सिंपल है, तीनों साइड्स को ऐड कर दो बस, है ना। जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। अब ये ए बी और ए और बी क्या है, बी है आपका ये बेस, ए है आपकी ये जो दो इक्वल साइड होती है ये ए है। तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट डायरेक्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा हीरॉन्स फॉर्मूला आप लोग यूज करो, है ना। अब हीरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपके सामने एक सवाल है, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हाट विल बी इट्स एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया, अगर उसने बोला हीरॉन्स फॉर्मूला लगाना है तो हीरॉन्स फॉर्मूला लगाओ, नहीं बोला तो ये भी लगा सकते हो आप लोग। तो अंडर रूट 3/4 ए कितना है, साइड कितना है 8, तो 8 इंटू 8 16 रूट 3 सेंटीमीटर, ये आप लोगों के पास एरिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगला सवाल, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 एंड इट्स एरिया इज 48। अब ऐसे क्वेश्चन में ना आप लोगों को हीरॉन्स फॉर्मूला लगाओगे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप डायरेक्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाओगे ना जिसका बेस इतना है और आपके पास इतना है, इसको पेरीमीटर निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या था बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या था, मैं भी भूल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। अब आप बारी बारी से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एरिया है 48 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है बेटा 16 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बेस कितना है, बी का मतलब है बेस, 16 स्क्वायर अपॉन ये पूछा 8, 8 6 जा 48, इधर बचा है 6, इधर बचा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 16 इंटू 16 अपॉन 4, इसको काटो ससुरे को कितना बचेगा 4, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो इधर हो जाएगा 36, इधर से अंडर रूट हट जाएगा तो ये कितना बचेगा ए स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64, 64 को इधर ले आओ तो 36 प्लस 64 हो जाएगा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास 100 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 आ गई, यानी कि इक्वल साइड कितनी है 10, तो 10 प्लस 10 प्लस 16 36 आप लोगों का पेरीमीटर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, ठीक है बिटुआ ऐसे करना है। अब आगे बढ़ने से पहले हीरॉन्स फॉर्मूला समझने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, दैट इज दिस द्रोना। बहुत दिनों से हम लोग द्रोना के बारे में बता रहे हैं, सो द्रोना है क्या, द्रोना इज बेसिकली एक बैच है जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे, है ना।
थर्ड ऑफ जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा और 16th ऑफ फेब तक ये बैच चलेगा, लगभग दो महीने ये बैच चलेगा, है ना। इस बैच में हम आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे, जितना भी आप लोगों का सिलेबस होगा वो पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा, और उसके अलावा आपके जो डाउट्स होंगे ना वो क्लियर कैसे होंगे, जैसे यूट्यूब में आप चैट कमेंट करते हो वैसे नहीं, आप मुझसे बात कर सकते हो, आप मुझे देख सकते हो, मैं आपको देख सकता हूँ, मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ, मैं आपको अनकैम कर सकता हूँ, अमेजिंग ना। तो आपसे मैं बात कर सकता हूँ, आपको एक पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा इस पर्टिकुलर बैच में, है ना। और ये जो बैच है बेटा ये वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, तो इस बैच का कुछ फीस है और फीस बहुत मिनिमम अमाउंट हमने रखा है, जितना कम हम कर सकते थे उतना मिनिमम हमने रखा है, एंड दैट इज 3,000 rupees फॉर 2 months। तो एक महीने का जो बचेगा आपका वो बन जाएगा आप लोगों का कितना, 1500 rupees लगभग, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, जिसमें हम आप लोगों को 4 subjects पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स अभिषेक सर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री निकिता मैम पढ़ाएंगी, बायोलॉजी आप लोगों की खुशबू मैम पढ़ाएंगी, SST आपको सुरभि मैम पढ़ाएंगी, और इंग्लिश आपको ओशन मैम पढ़ाएंगी। तो एक सब्जेक्ट की जो आपकी एक महीने की कॉस्ट पड़ रही है वो लगभग 375 rupees पड़ रही है, एक सब्जेक्ट की एक महीने की कॉस्ट 375 rupees, अमेजिंग ना। और जो आप लोग अपने ट्यूशंस में फीस देते हो ना यार, मिनिमम 750 या 1000 rupees आप लोग एक सब्जेक्ट की फीस देते हो अपने आस पड़ोस में, अगर आप कहीं पर ट्यूशन जाते हो, मैं आपको 375 rupees में पूरा का पूरा मैथ खत्म करवाऊंगा। डेली आपके 2 सेशन होंगे, 6 से 7 और 7 से 8 बजे तक ये क्लासेस आपकी चलेंगी, डेली आप लोगों की क्लासेस होंगी और बहुत अमेजिंग मजा आएगा आप लोगों को, पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा आप लोगों को, है ना। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से आप लोग एनरोल कर लेना। ये कोर्स वैसे 6,000 rupees का है, लेकिन मेरा कूपन कोड लगा होगा उसमें, तो आप लोगों को 3,000 rupees में ये पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। लाइव सेशंस होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लास तब तक खत्म नहीं होगी जब तक डाउट्स खत्म नहीं होंगे। उसके बाद आप लोगों के पास जितना भी आप लोगों का नोट्स होते हैं वो आपको क्लास खत्म होते ही हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, और आप लोगों का असाइनमेंट्स, आपको क्वेश्चंस वगैरह दिए जाएंगे। आप बस ये 2 महीने जितना भी ये दिन ये बात चलेगा, आप बस उस टाइम पे हमें फॉलो करना, आपके 95+ आएंगे, जो जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा वो क्वेश्चंस करने हैं, आपके 95+ डेफिनेटली आएंगे, ठीक है जी। सो ये सारी की सारी चीजें थी। उसके अलावा यार एक और चीज है, एक और लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, फ्री मॉक टेस्ट पेपर, ऑल इंडिया फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे आप द्रोणा के बैच में हो या नहीं हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे। हर सब्जेक्ट के 3 mock test papers आप लोगों को मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के 3 mock test papers आप लोगों को मिलेंगे, है ना, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस लिंक पे क्लिक करो, एनरोल करो, कोई फीस नहीं है उसकी, ठीक है। और ये मॉक टेस्ट पेपर आप एक्सेस कर सकते हो, ये इसका कुछ प्रोसेस बता रखा है किस किस तरीके से, हर सेशन में हम लोग लगभग बताते हैं, तो आप लोग देख सकते हो किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हो इसमें, ठीक है। द्रोणा इज वन ऑफ द बेस्ट बैच वी हैव, हम हर साल लॉन्च करते हैं, और जितने भी बच्चे द्रोणा में आते हैं उनके 95+ तो डेफिनेटली आते ही आते हैं मार्क्स, क्योंकि डिटेल में सिलेबस कवर किया जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, और उससे बाहर कुछ नहीं आता भैया, ठीक है। अब बात करते हैं यार अगले फॉर्मूले की, विच इज हीरॉन्स फॉर्मूला। अब देखो आपके पास स्पेसिफिक कोई ट्राइंगल है तो आप उसका एरिया तो निकाल ही सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन अगर स्केलन ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग है, उसका एरिया कैसे निकालोगे, एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी है। तो यार हीरॉन्स एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया विच इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, और ये हर उसमें लगता ही है, चाहे कोई सा भी ट्राइंगल हो, स्केलन हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, सब में लगेगा ये, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है यहाँ पे, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है बेटा पेरीमीटर का आधा, और पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड का सम। तो एस आप निकालोगे सबसे पहले, फिर उसके बाद एरिया निकाल लोगे। जैसे ये सवाल है, द लेंथ ऑफ 3 sides ऑफ अ ट्राइंगल 40, 24 और 32, तो एरिया निकाल लो। तो ए आपको दिया गया है 40, बी आपको दिया गया है 24, और सी आपको दिया गया है कितना, 32। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लो, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 40 + 24 + 32 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 20, 12, 32 और 16,
48 हो जाएगा ये आपके पास, सेमी पेरीमीटर निकाल लेना है 48। अब आप s माइनस a निकाल लो, यानी कि 48 माइनस 40 तो वो बचेगा आपके पास 8। आप s माइनस b निकाल लो, वो बचेगा आपके पास 48 माइनस 24 तो वो बच गया आपके पास 24। और 48 s माइनस c यानी कि 48 माइनस 32 अगर आप निकालोगे तो ये बच रहा आपके पास 16। ठीक है जी। अब आप एरिया निकाल लो यार, इसका एरिया क्या होता है आपके पास, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बस बहुत सिंपल है, s कहाँ है, हे प्रभु हे प्राणनाथ, ये रहा हे जगन्नाथ। 48, 8, 24 और 16। देखो यार 16 का तो अंडर रूट आ रहा है 4, तो उसको तो डायरेक्ट आप लोग बाहर लिख लो 4 को, ठीक है ना। मतलब ये मैंने डायरेक्ट बाहर लिख लिया। 48 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 24 इंटू 2, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, और 1 24 ये था। तो ये 24 का भी पेयर बन गया, ये भी आ गया बाहर, 4 पहले से बाहर था, ये 2 का भी पेयर बन गया और ये 2 का भी पेयर बन गया, बस सब बाहर आ गए। इसको मल्टीप्लाई कर दो आपका एरिया आ जाए, है ना सिंपल, इतना आपका एरिया आ जाएगा 384। सही किया होगा, ठीक है जी, ऐसे करना है आपको। अगला सवाल, ईच ऑफ इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 13 एंड इट्स बेस इज 24, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो, अब आप इसमें ना हीरोन फॉर्मूला का यूज करो, कह रहा है कि जो इक्वल साइड है वो 13 है और जो इसका बेस है वो कितना है 24 है। तो हीरोन फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लो, कैसे निकालोगे, 24 प्लस 13 प्लस 13 तो वो हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 13 प्लस 13 26, 26 और 24 50 हो जाएगा, s आ जाएगा आपके पास 25। अब s माइनस a निकाल लो, यानी कि 25 माइनस 24 1 है। फिर s माइनस b निकाल लो, यानी कि 25 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर s माइनस c निकाल लो, यानी कि 25 माइनस 13 वो भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ना तेरा ना मेरा, एरिया आपके पास होता है अंडर रूट s, s कितना है बेटा 25 इंटू 25 माइनस ए इंटू 12 इंटू 12। तो देखो 12 का तो पेयर बन गया, बाहर आ गया, और 25 का अंडर रूट होता है 5, अंडर रूट 1 ही होता है, तो 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। इतना आप लोगों के पास इसका एरिया आ जाएगा। बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये बेसिकली, आप लोगों के पास कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन एनसीईआरटी कर लो, सफिशियंट है। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को पर्सनली कनेक्ट करना हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। और ये वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, फॉर सेशन के नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में, अगर आपको चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। चलो, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, नाउ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।